हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही कमाल का गैजेट जो आपके काफी काम आने वाला है। तो ये आया है प्रोडक्ट अमेज़न से मेरे पास, और इसके अंदर है एक मिनी कीबोर्ड विद माउस, ऑल इन वन सब कुछ उसी के अंदर है। तो चलिए जल्दी से ओपन करते हैं इसको और देखते हैं कैसा है ये गैजेट। तो ये है मिनी कीबोर्ड, तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ प्रॉपरली। तो यहाँ पर ये जो इसकी आउटर पैकिंग है, इसके फीचर्स बताए गए हैं कि आप क्या किस किस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको सारा बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलती है एक अमेज़न की इनवॉइस, और फिर एक और ये वाइट बॉक्स है, और इस वाइट बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये हमारा कीबोर्ड। काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही छोटा सा है, सारी ही कीज यहाँ पर दी गई हैं, और ये कुछ गेस्चर्स दिखाए गए हैं, सारे यहाँ पर गेस्चर्स दिखाए गए हैं कि आप अगर सिंगल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, और सारी कीज यहाँ पर दी गई हैं। उसको साइड रखते हैं, हम देखेंगे इसे बाद में। और यहाँ पर इसे खोलने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर है हमारे पास ये सिंपल सी यूज़र गाइड, थैंक गॉड ये इंग्लिश में है, ओके। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिखाया गया है आप किस किस डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं इस कीबोर्ड को। तो आप ये बेसिकली एक ब्लूटूथ कीबोर्ड है, वायरलेस कीबोर्ड है, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से, या अपने लैपटॉप से, पीसी से, टैबलेट से, ये आपका एक्सबॉक्स से भी कनेक्ट हो जाएगा, या आपका स्मार्ट टीवी होगा तो उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी डिवाइसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो ये मंगाया है, बेसिकली मेरे पास एक एंड्रॉयड टीवी है, सोनी का एंड्रॉयड टीवी है, तो उसके लिए मैंने इसे मंगाया है, उसमें गेम्स खेलने के लिए या उसमें टाइप करने में माउस से आपका जो रिमोट होता है जो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मंगाया है। उसमें भी हम टेस्ट करेंगे, और इसे हम अपने लैपटॉप में भी टेस्ट करेंगे कैसे ये छोटा सा प्यारा सा कीबोर्ड कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा कीबोर्ड काफ़ी स्मूथ है, सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है, और यहाँ पर है ये जेस्चर्स, ठीक है। आप सिंगल क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे या दोनों फिंगर्स को स्वाइप करें तो उसके हिसाब से अलग अलग जेस्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं। और ये बटन्स हैं अप डाउन के लिए, और इधर वॉल्यूम्स के लिए आपको दिए गए हैं कंट्रोलर, और ये तीन लाइट जो दी गई हैं यहाँ पर ये अलग अलग है, ये बैटरी के लिए है, और कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है उसके लिए है। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए यहाँ पर लाइट्स दी गई हैं। पूरा कीबोर्ड है, आप गेस्चर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट और राइट क्लिक यहाँ से भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसके अंदर एक बिल्ट इन बैटरी है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, और ये इसके अंदर एक बैटरी लगाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर है ये हमारा रिसीवर, इस रिसीवर को आप लगा सकते हैं अपनी किसी डिवाइस में जिसके थ्रू आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और अगर आप इसे चाहते हैं मोबाइल से कनेक्ट करना तो मोबाइल में आप इसे लगा सकते हैं OTG के थ्रू, और फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसे मोबाइल में भी। तो मैंने ये अपने एंड्रॉयड टीवी के लिए मंगाया है, तो मैं इसे एंड्रॉयड टीवी में कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या ये सही काम करता है या नहीं। सो गाइस, मैंने ये कनेक्ट कर लिया है अपने इस एंड्रॉयड टीवी से, अब इसको यूज करके देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप देखिए, मैं इजीली नीचे स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, और ओके, तो हम देखते हैं होम पेज पर, और ये ही वीडियो प्ले कर देखते हैं, तो ये इजीली वर्क कर पा रहा हूँ मैं इससे, सबको सारे बटन वर्क कर रहे हैं। हम सर्च करते हैं, फैम ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये आ गया है मेरा चैनल, कीबोर्ड भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, और इजीली मैं सब कुछ ओपन कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा एक रीसेंट अपलोड, तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इससे मुझे टीवी को यूज़ करने में। पहले क्या होता था, पहले मैं इस को यूज़ करता था तो यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते थे, आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता था अल्फाबेट। तो इससे काफ़ी मज़ा आ रहा है, और काफ़ी बढ़िया कीबोर्ड है,
मुझे बहुत पसंद आया, तो ये परचेज किया है मैंने amazon.in से 699 रुपीस में। मैंने लिंक मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं इसे वहां पर। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में, किसी और चीज के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम भी आई होगी। तो दोस्तों, मैं हूँ फहीम, खुदा हाफिज़।